सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स पे। इंट्रोडक्शन में से कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हम ये जानते हैं कि एंजाइम जो है उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एक्सिलरेटर्स। अब एक्सिलरेटर्स वर्ड क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज दे स्पीड अप द रिएक्शन, क्योंकि जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको वो स्पीड अप करते हैं। या हम रिएक्शन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं मेटाबोलिज्म, तो ये भी आपने याद रखना है वर्ड मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस इसको ये कंट्रोल कर देते हैं। अब एंजाइम्स को हम एक टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये भी आपने याद रखना है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इफ देयर इज नो एंजाइम, अगर एंजाइम्स ना हो तो फिर क्या होगा, क्या रिएक्शन होंगे? तो आप कहेंगे यस रिएक्शन होंगे, रिएक्शंस टेक प्लेस। ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि एक चीज तो हमें पता चल गई कि एंजाइम्स होते हैं दे कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन, ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते। इसका मतलब है एंजाइम्स के बगैर रिएक्शन हो सकते हैं, तो रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है? तो यहां आपका जो आंसर होगा वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये सवाल आ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसको इनिशिएट करती है। तो फिर एंजाइम अगर नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन यहां आपने ये बताना है कि एंजाइम अगर ना हो तो रिएक्शन होंगे जरूर, लेकिन जो रिएक्शन होंगे दैट वुड टू स्लो, रिएक्शन बहुत स्लो होंगे, और रिएक्शन इतने स्लो हो जाएंगे कि उसके रिजल्ट में जो लाइफ है दैट वुड सीज्ड। इसका मतलब है कि लाइफ जो होगी वो इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि लाइफ के लिए जरूरी है कि रिएक्शन एक स्पेसिफिक स्पीड से चलेंगे तो लाइफ चलेगी। अगर रिएक्शन बहुत स्लो होंगे इसका मतलब है लाइफ नहीं चल सकती। तो यहाँ एक दो पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि रिएक्शन जो ऑलरेडी हो रहे हैं उनको एंजाइम स्पीड अप करते हैं, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि जो वर्ड एक्सेलरेटर है इसका मतलब ही है कि उसको ऑल्टर्ड करना रिएक्शन या स्पीड अप करना रिएक्शन को। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से हम कुछ भी डिस्कशन करेंगे, आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है इसका। एक तो एंजाइम की कैरेक्टर ये है कि एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये प्रोटीन की एक फॉर्म होती है, प्रोटीन की दो मेन फॉर्म्स होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो अगर ये प्रोटीन है तो फिर इनका रॉ मटेरियल क्या है, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसका मतलब है कि जैसे प्रोटीन के सब यूनिट अमाइनो एसिड होते हैं, एंजाइम्स के अंदर भी अमाइनो एसिड होते हैं। हाँ कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, एक ग्रुप है एंजाइम का राइबोसाइम्स, आगे चल के हम बात करेंगे, उनमें अमाइनो एसिड्स नहीं होते, वो आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं। बाहर ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा ये एंजाइम ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, हम इस पर बात कर चुके हैं कि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, लेकिन यहां एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, विदाउट themselves being used up। इसका मतलब ये है कि ये खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं कि they can be used again and again, यानी रिएक्शन चलता जाएगा, enzymes unchanged रहेंगे, substrate को यानी कि reactants को products में convert कर देंगे, लेकिन खुद इनके अंदर कोई change नहीं आएगी। ये भी एक important feature है, ये characteristics है enzyme की। तीसरी character पे आ जाते हैं, enzymes होते हैं that does not alter the nature of end products, enzyme end products की nature को effect नहीं करते, यानी जिस तरह के substrate है product उसी तरह की बननी है, enzyme की involvement से उसकी जो nature end product की वो change नहीं होगी। For example मैं ये कहता हूँ कि substrate है या reactant A plus B है, तो अब जो product बनी वो A B बनी, अब यहाँ पर enzyme तो है लेकिन enzyme ने उसकी product को change नहीं किया, तो इसका मतलब है जो भी आप reactant जिस तरह के डालेंगे उसी तरह की प्रोडक्ट बनेंगे, एंजाइम के एडिशन से एज सच एंड प्रोडक्ट की नेचर इफेक्ट नहीं होगी। फोर्थ कैरेक्टर, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इनफ फॉर रिएक्शन, व्हाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इनफ, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि ये उसकी नेचर को इफेक्ट नहीं करते, तो ये बार बार जो है यूज हो सकते हैं, इसका मतलब है थोड़ी सी अमाउंट जो है उसकी इनफ होती है एंजाइम की। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाए, एंजाइम्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए तो भी एंजाइम इफेक्ट होते हैं, पीएच के अंदर कोई चेंज आ जाए, या फिर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है
उसके अंदर कोई चेंज आ जाए तो उसके लिए भी एंजाइम सेंसिटिव है, यानी उनकी जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है। तो ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंजाइम्स रिक्वायर्ड एक्वस मीडियम फॉर देयर एक्शन, ये भी इसकी कैरेक्टर आपने याद रखनी, इसको एक्वस मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम्स जो है दे कैन वर्क इन विवो एंड इन विट्रो एज वेल, ये दो टर्म है। इन विवो का मतलब है कि इन साइड बॉडी, ये बॉडी के अंदर भी काम कर सकते हैं, और इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर, या इन लेबोरेटरी कंडीशन, लैब के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। तो ये भी आपको इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड कोफैक्टर्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, कुछ एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है। अब ये कोफैक्टर क्या होता है, ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, आगे चल के हम लेक्चर के अंदर इस पे बात करेंगे। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि कुछ एंजाइम को रिक्वायर्ड होता है। समटाइम ये मेटालाइंस होते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। सम एंजाइम्स और पोटेंशियली डैमेजिंग, कुछ एंजाइम डैमेजिंग भी हो सकते हैं इफ प्रोड्यूस इन एक्टिव फॉर्म, अगर एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाए तो वो डैमेजिंग कॉज कर सकते हैं। कौन सा एंजाइम है, आप जानते हैं कि एक एंजाइम है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है ये एंजाइम हमारे स्टमिक में प्रोड्यूस होता है, और ये एक डैमेजिंग एंजाइम है अगर ये एज इट इज पेप्सिन की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये इसकी एक एक्टिव फॉर्म होती है जो कि डैमेजिंग हो सकती है। इस वजह से ये जो पेप्सिन होता है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द पेप्सिनोजिन, एंड पेप्सिनोजिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। सो ये जो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव है, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से कुछ एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम स्ट्रक्चर को देखें तो आप जानते हैं कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एक तो ये सवाल आ सकता है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन ही नेचर होते हैं, तो एंजाइम की प्रोटीन की जो टाइप है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। तो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं, तो आप बताएंगे दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्योंकि अमाइन एसिड की चेन होती है और आप जानते हैं कि अमाइन एसिड की चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सारे के सारे एंजाइम्स ही प्रोटीन नेचर के हैं? तो आपका आंसर है नो, सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के नहीं है, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शन कौन सी है, मैं यहां पर एक एंजाइम का ग्रुप लिख रहा हूं, दैट एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोजाइम्स दे आर नॉट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन नहीं है। तो ये फिर किससे मिलकर बने होते हैं? राइबोजाइम्स होते हैं ये आरएनए बेस्ड एंजाइम्स हैं, यानी इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कैटलिटिक आरएनए है, क्योंकि आप जानते हैं कि एंजाइम्स का काम जो है वो डिफरेंट कैटलिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, तो ये कैटलिटिक आरएनए है। अब आपसे इसकी एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है कि क्या एग्जाम्पल इसकी, तो इसकी एग्जाम्पल आप देंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक्सेप्शनल केस है एंजाइम की नेचर का। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये एक राइबोसोम है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपने याद रखना है कि जो राइबोजाइम्स होते हैं वो राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, या आप कह सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोजाइम्स क्या होते हैं और उनकी नेचर क्या है और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। अब एंजाइम्स जो हैं उसके अंदर अमाइन एसिड्स कितने होते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इसके अंदर अमाइन एसिड्स हैं तो अमाइन एसिड्स के नंबर इसमें कितने हो सकते हैं। तो इसमें आपने बताना है के अमाइन एसिड्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ अमाइन एसिड्स होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ अमाइन एसिड, और ये पूछा जा सकता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। मॉलिक्यूलर वेट ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने बताना है कि मॉलिक्यूलर वेट की जो रेंज है दैट इज
10,000 to over 1 million Daltons. ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। और ये पूछा जा सकता है कि एंजाइम के अंदर अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर प्रोटीन का, तो आपका क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा दे एग्जिबिट टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, तो जब ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएंगी तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना देंगे। अब एक साइट होती है, अब एंजाइम के अंदर आप जानते हैं कि एक साइट है जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट जो है ये एंजाइम पर एक साइट है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। इससे रिलेटेड भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने यहां पर याद रखने। अब एक तो याद रखना है कि ये जो एक्टिव साइट है ये एक थ्री डायमेंशनल कैविटी है, दिस इज थ्री डायमेंशनल कैविटी, और इसमें अमाइन एसिड कितने होते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाइन एसिड, अब आपकी बुक में लिखा हुआ है ओनली फ्यू अमाइन एसिड, अब देखिए हंड्रेड्स ऑफ अमाइन एसिड तो एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब ओनली फ्यू, और अगर नंबर पूछा जाए तो आप नंबर में मेंशन कर सकते हैं कि 3 to 12 अमाइन एसिड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी थोड़े से अमाइन एसिड है जो कि डायरेक्ट होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंजाइम में तो आपने देखा हंड्रेड्स ऑफ अमाइन एसिड है, तो बाकी अमाइन एसिड क्या करते हैं, बाकी जो अमाइन एसिड है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो फंक्शन के लिए है वो थोड़े हैं, लेकिन ज्यादातर अमाइन एसिड उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते होते हैं। अब जो शेप एक्टिव साइट की, दैट इज अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की तरह की होती है, यानी सबस्ट्रेट को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर होती है, तो ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट किस तरह का है, उसके साथ अटैच होना है, उसी तरह की एंजाइम पर एक्टिव साइट है, और आप जानते हैं कि एक्टिव साइट जो शेप है वो एंजाइम टू एंजाइम वेरी करती है, और यही वजह है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट्स। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि बताएं सबस्ट्रेट जो होते हैं वो एक्टिव साइट के साथ कैसे अटैच होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट की अटैचमेंट कैसे होती है, क्या वहां पर कोई कोवलेंट बॉन्ड है या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होती है, तो आपने याद रखना है कि एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के दरमियान नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं। अब सवाल आ सकता है कि कौन से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं, तो आप बताएंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक्टिव साइट होती है उसमें फर्दर रीजन्स कौन से होते हैं, तो जब आप एक्टिव साइट को देखते हैं तो एक्टिव साइट के अंदर आपको दो तरह के रीजन मिलते हैं, वहां आपको एक बाइंडिंग साइट मिलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसके अंदर कैटलिटिक साइट होती है, ये दोनों के दोनों जो साइट है वो एक्टिव साइट के अंदर होती है। अब दोनों का क्या फंक्शन होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। बाइंडिंग साइट का काम है रिकग्नाइज द करेक्ट सबस्ट्रेट, ये अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके रिजल्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये बाइंडिंग साइट का जो है वो काम होता है। उसके बाद कैटलिटिक साइट क्या करती है, देखिए जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ES कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्टिवेट करता है कैटलिटिक साइट को, एक्टिवेट्स द कैटलिटिक साइट, ये एक्टिवेट होते हैं एंड सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये दोनों का आपको एक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कोफैक्टर्स हैं वो होते क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके बाद हम इसमें इनकी टाइप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि कोफैक्टर्स हैं क्या। इसकी डेफिनेशन है कोफैक्टर्स होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। आप जानते हैं कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कौन कौन से नॉन प्रोटीन पार्ट है, उनकी नेचर क्या होगी, आगे चल के हम इस पर बात करेंगे, और ये इनको हम ओवरऑल कोफैक्टर्स कहते हैं, एंड दीज नॉन प्रोटीन पार्ट दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में रिक्वायर्ड होते हैं। तमाम एंजाइम्स को कोफैक्टर नहीं चाहिए होते, बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जो बगैर कोफैक्टर के भी काम कर सकते हैं, लेकिन जिनको कोफैक्टर चाहिए वो इनके बगैर काम नहीं कर सकते, वो अटैच होंगे तो ही काम कर पाएंगे।
अब को फैक्टर जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो हम कुछ पॉइंट्स हम इसकी इंपॉर्टेंस में देखेंगे। अगर ये पूछा जाए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला पॉइंट ये है कि को फैक्टर जो है वो ब्रिज का काम करते हैं। तो आप बताएंगे दे आर एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट, आप जानते हैं सबस्ट्रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं, और इनजाइम, सबस्ट्रेट और इनजाइम के लिए ये ब्रिज का काम करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन में केमिकल एनर्जी का सोर्स भी हो सकते हैं। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे दे मे डायरेक्ट इन्वॉल्व इन कैटालिसिस, यानी ये रिएक्शन के अंदर इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी होगी, इनकी भी आगे चल के हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंस जो को फैक्टर की है वो आपने याद रखनी है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ को फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स कौन कौन सी हैं, ऑर्गेनिक को फैक्टर कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के मेनली को फैक्टर्स होते हैं, इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। एक मैं लिखूंगा इनऑर्गेनिक को फैक्टर और दूसरे मैं यहां पर बात करूंगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मेनली मेटल आइंस होते हैं। अब वो मेटल आइंस कौन कौन से मेटल आइंस हो सकते हैं, इसमें कॉपर है, इसमें मैग्नीशियम मेटल आइन है, जिंक है और आयरन, ये मेटल आइंस। और ये वाले जो मेटल आइंस होते हैं ये डिटैचेबल होते हैं। अब डिटैचेबल का मतलब क्या है, डिटैचेबल का मतलब है कि ये लूजली अटैच होते हैं, यानी ये आसानी से अलहदा हो सकते हैं, और ये इनऑर्गेनिक भी हैं, मेटल आइंस भी हैं, और ये लूजली अटैच होते हैं। इस वजह से हम यहां इनके लिए जो टर्म यूज करते हैं इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, मैंने इनकी प्रॉपर्टीज बता दी कि ऐसे कोफैक्टर हैं जो कि इनऑर्गेनिक है, मेटल आइंस है, और ये लूजली अटैच होते हैं, और ये उस वक्त इंजाइम के साथ जुड़ते हैं जब उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है, यानी ये हर वक्त इंजाइम के साथ जुड़े नहीं रहते, ये डिटैचेबल है, जब सबस्ट्रेट उनके साथ जुड़ेगा तो ये इसमें उसके साथ अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर में एक को इंजाइम है और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये दोनों जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, तो आपने इन दोनों को कैटेगराइज करना है, इनऑर्गेनिक कौन से, ऑर्गेनिक कौन से। अब जो कोएंजाइम होता है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कोएंजाइम जो है ये भी लूजली अटैच होता है इंजाइम के साथ, लूजली अटैच विद इंजाइम, या हम ये कह सकते हैं कि ये भी डिटैचेबल होता है, जैसे कोफैक्टर डिटैचेबल, जैसे एक्टिवेटर डिटैचेबल है, लेकिन फर्क क्या है, ये ऑर्गेनिक है लेकिन एक्टिवेटर जो है वो इनऑर्गेनिक था। अब दूसरा जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली और कोवलेंटली बाउंडेड विद इंजाइम, इंजाइम के साथ टाइटली या कोवलेंटली बाउंडेड होता है, या आप कह सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, उस तरह का वर्ड भी आ जाता है, दे आर नॉन डिटैचेबल, यानी ये अलहदा नहीं होते, ये इंजाइम के साथ जो है वो अटैच रहते हैं। एक और बात याद रखनी है कि जो कोएंजाइम्स हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिंस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिंस हम लेते हैं वो एज ए कोएंजाइम भी काम करते हैं। अब कोएंजाइम की एग्जांपल्स कौन कौन सी, ये भी सवाल आ सकता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करूं कोएंजाइम की, एक है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह एक है एनएडी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और तीसरी एग्जांपल इसकी जो है वो है एफएडी यानी फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है जो कि परमानेंटली अटैच रहते हैं, यानी इवन अगर रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाए तो भी ये वहां से इंजाइम से सेपरेट नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, इसकी एग्जांपल में एक है आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, ये एक पोरफायरिन रिंग है जो कि आयरन कंटेनिंग है, एंड दिस पोरफायरिन रिंग विल अटैच टू प्रोटीन, और वो एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम उसके साथ अटैच होता है। ये आगे चल के हमने पढ़नी है कि ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन है साइटोक्रोम, और ये इंजाइम के तौर पे काम करती है, लेकिन इसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली बाउंडेड रहता है, और वो है पोरफायरिन रिंग जो कि एक आयरन कंटेनिंग नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसी तरह से आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है उसके अंदर जो हीम ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन का,
वो भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो भी इस प्रोटीन के साथ, यानी कि ग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है और हीम जो है ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नॉन प्रोटीन है, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ टाइटली बाउंडेड रहता है, यहां से सेपरेट नहीं होता, तो इसको भी हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं। तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है और इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहां से पूछा जा सकता है। अब यहां पर हम दो टर्म डिस्कस करेंगे, उनमें भी अपने डिफरेंस देखना है, क्योंकि जब तक हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो हमें एक्चुअल जो को फैक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलेगा। अब इसमें एक टर्म है एपोएंजाइम और दूसरी टर्म है होलो एंजाइम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये पता चलेगा कि वाकई ही किसी एंजाइम के लिए जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होगा वो उसके बगैर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एपो एंजाइम हम किसे कहते हैं, देखिए हमारे पास एक एंजाइम है, लाइक मैं कहता हूं कि हमारे पास कोई फंक्शनल एंजाइम है। अब ये फंक्शनल एंजाइम जो है इसमें से अगर मैं को फैक्टर को रिमूव कर दूं, रिमूव को फैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट, वो काम कर रहा था उसमें से मैंने को फैक्टर को रिमूव कर दिया या मैंने को इंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप को वहां से रिमूव कर दिया, जैसे ही मैं उसमें रिमूव करूंगा तो वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। और जब वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा इसी नॉन फंक्शनल इंजाइम को अब हम कह सकते हैं कि ये एपो इंजाइम है। अब इसका मतलब है कि ये इंजाइम की एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी इसमें वो एक्टिव नहीं है और इसको हम एपो इंजाइम कहते हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ही कोफैक्टर को रिमूव करने से ही इसने काम करना छोड़ा है, तो हम दोबारा से उस कोफैक्टर को ऐड करके देखेंगे या हम दोबारा से उस जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम को ऐड करके देखेंगे। तो यहां सिंपली हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो एपोएंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसके अंदर हम फिर से जो कोफैक्टर है उसको ऐड करेंगे, जैसे ही वो कोफैक्टर हम उसमें ऐड करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसी एक्टिवेटेड एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये एक एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जिस एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए होता है वो कोफैक्टर के बगैर काम नहीं कर सकता, हमने उसको रिमूव किया उसने काम करना छोड़ दिया तो वो एपो एंजाइम बन गया, और जब दोबारा से हमने वो स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन उसकी ऐड की एपो एंजाइम के अंदर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि कोफैक्टर को कहां ऐड करना है, एपो एंजाइम, सिर्फ एंजाइम नहीं लिखना क्योंकि इसमें से हमने रिमूव किया था, तो अब वो एक्टिव हो गया वो होलो एंजाइम बन गया। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि वाकई ही कोफैक्टर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम्स के लिए। इससे पहले कोफैक्टर्स की बात की और वहां हमने डिस्कस किया था कि विटामिंस होते हैं, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द कोएंजाइम, तो उसके साथ एक लिंक टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता होना चाहिए और एमडी कैट में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जी तो एमसीक्यूज है, विटामिन इज ए प्रीकर्सर फॉर अल्फा ऑप्शन है हीम, बीटा एटीपी, चार्ली जो है वो एफएडी यानी फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और डेल्टा जो है वो मैग्नीशियम। अब आप जानते हैं कि विटामिंस दे आर द रॉ मटेरियल फॉर द कोएंजाइम, और कल मैंने बात की थी कि कोएंजाइम कौन-कौन से होते हैं, कोएंजाइम में एटीपी भी होते हैं और एफएडी भी होते हैं, ये दोनों कोएंजाइम। अगर हम हीम ग्रुप की बात करेंगे तो वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो वो एक एक्टिवेटर है क्योंकि मेटालाइन है। अब इसमें बीटा और चार्ली में से कौन सा करेक्ट है, अब आपने याद रखना है कि जो विटामिंस होते हैं दे आर द प्रीकर्सर फॉर द एफएडी, FAD stands for the flavin adenine dinucleotide, जो कि एक कोएंजाइम है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो विटामिन है। अब देखें एटीपी कोएंजाइम तो है लेकिन ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन विटामिन कोएंजाइम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉन विटामिन, ठीक है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और आपको मैंने बताया था कि जो मैग्नीशियम है क्योंकि ये मेटालाइन है ये वो फैक्टर है लेकिन ये एक्टिवेटर है, डिटैचेबल है, और जो हीम ग्रुप है दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप बिकॉज दे आर टाइटली बाउंडेड विद द एंजाइम। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आपको दो ऑप्शन करेक्ट लग रही होंगी तो उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। हाँ अगर ये स्टेटमेंट होती कि बताएं कोएंजाइम कौन से हैं, तो फिर एटीपी भी कोएंजाइम है और एफएडी भी कोएंजाइम है, लेकिन क्योंकि उसने पूछा है कि विटामिन किसके प्रिकर्सर के तौर पर काम करते हैं, तो याद रखना है एफएडी आ जाए या एनएडी आ जाए, तो आपने ये बताना है कि इनके लिए विटामिंस काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एटीपी है तो ये कोएंजाइम तो है लेकिन एक नॉन विटामिन कोएंजाइम है ये। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन कौन से कोएंजाइम के लिए काम कर रहे हैं और वो कोएंजाइम के फंक्शन कौन से हैं। तो यहां सबसे पहले मैं एक विटामिन लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड विटामिन B2। अब जो विटामिन B2 है इसके लिए हम एक वर्ड राइबोफ्लेविन भी यूज करते हैं। अब जो विटामिन B2 है ये एक्चुअली FAD के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। अब FAD क्या है, पहले भी बात कर चुके हैं, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब इसका फंक्शन क्या है एफएडी का, आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस में यूज होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस,
अब आप ये पढ़ चुके हैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे यूज होता है. तो एफ ए डी जो है आप जानते हैं कि ये कन्वर्ट होता है एफ ए डी एच टू में. अब यहां पर एफ ए डी की रिडक्शन हुई है लेकिन किसी प्रोसेस की इसने ऑक्सीडेशन की है, और इसी तरह से एफ ए डी एच टू एफ ए डी में कन्वर्ट हो सकता है. तो इसके लिए जो विटामिन बी टू है, राइबोफ्लेविन है, वो एज ए प्रीकर्सर काम करता है. इसके अलावा सेकेंडली हम बात करेंगे एक विटामिन हमारे पास है, उसको हम कहते हैं विटामिन बी थ्री, या इसको हम नियासिन भी कहते हैं. अब जो विटामिन बी थ्री ये नियासिन है दैट सर्व एज ए प्रीकर्सर फॉर एनएडी. अब एनएडी क्या है? एनएडी इज निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो इसके लिए ये एज ए प्रीकर्सर काम करता है. और आप ये जानते हैं कि एनएडी का एक्शन क्या होता है, NADB ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस के अंदर. लेकिन इसके अंदर क्या होता है आपने ये पढ़ा हुआ है, और आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि NAD जो है वो कन्वर्ट होगा NADH के अंदर. तो यहां पर जो हाइड्राइड आयन है वो इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद फिर से NADH NAD में कन्वर्ट हो सकता है. तो इसमें जो विटामिन B3 है वो एक ऐसा विटामिन है जो कि NAD के लिए प्रीकर्सर का काम करेगा. उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड विटामिन जो कि इंपॉर्टेंट है, दिस इज विटामिन बी ट्वेल्व. विटामिन बी ट्वेल्व के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, साइनोकोबालमाइन. साइनोकोबाल ये भी वर्ड यहां पर पूछा जा सकता है. अब ये विटामिन बी थ्री है, और ये कौन से कोएंजाइम के लिए प्रीकर्सर का काम करेगा? ये कोएंजाइम मिथाइल कोबालमाइन के लिए प्रीकर्सर का काम करेगा, या इसका एक और नेम भी है डीऑक्सी एडिनो एक्सॉय कोबालामाइन, ये सेकंड नेम है. तो इनके लिए बी ट्वेल्व जो है वो एज ए प्रीकर्सर काम करेगा. और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन सिंपली इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंज रिएक्शन, मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स आपस में रीअरेंज होते हैं उनमें यहां पर मिथाइल कोबालामाइन जो है वो काम करता है, और इसके लिए जो विटामिन बी ट्वेल्व है वो प्रीकर्सर का काम करेगा. नंबर फोर, बायोटिन. अब बायोटिन एक विटामिन है, और जो कोएंजाइम है उसका नाम भी बायोटिन है, बायोटिन कोएंजाइम. अब ये कहां पर इन्वॉल्व होता है और कौन से रिएक्शन को कैटलाइज करता है? ये कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन में एज ए कोएंजाइम काम करता है. अब आपने याद रखना है कि कौन सा कोएंजाइम कहां पर इन्वॉल्व होता है, और उसमें कौन सा विटामिन है, और उसके फंक्शन क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडी कैट के लिए, आपने ये याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं और इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है. सो